तो दोस्तों ये वही पुण्य जगह है, पूजनीय जगह है जहाँ हम अंदर मंदिर के अंदर खड़े हैं। भगवान श्री राम जी का पादचरण जो हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ श्री राम जी वनवास के समय यहाँ मौजूद थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल #गुरुजी में आपका दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक ऐसे जगह में ले जा रहा हूँ जहाँ प्रभु राम के चरण का निशानी है, जिसका नाम है राम तीर्थ। जी हाँ, यह राम तीर्थ है झारखंड के डोंगवा पोशी या नौमुंडी बोल सकते हैं। नौमुंडी से करीब 20-25 किलोमीटर है और डोंगवा पोशी DPS से करीब 10 किलोमीटर में मौजूद है। यह झारखंड में बहुत ही सुंदर, जी हाँ दोस्तों, कहते हैं अयोध्या से जब वनवास में श्री रामचंद्र गए हुए थे तो उस समय यहाँ पर भी राम तीर्थ यहाँ पर भी रुके थे और उनके पत्थरों में उनके पांव के निशान आज भी मौजूद हैं। तो दोस्तों चलिए जाते हैं, देखते हैं कैसा है क्या है, प्रभु के दर्शन हम भी कर लें भाई। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ये मेरे पीछे में जो बैतरणी नदी बह रही है, इसके किनारे में बसा श्री राम जी की कृपा यहाँ बरसी थी। डोंगवा पोशी से करीब 10 किलोमीटर के लगभग में होगा। और देखिए हम लोग जहाँ जा रहे हैं, पादुचरण श्री राम जी के पड़े हुए थे वो एरिया में जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, पूरा भव्य नज़ारा दिखता है मंदिर का, बहुत बड़ा एरिया। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो है श्री राम जी का पादुकोण। तो दोस्तों ये वही पुण्य जगह है, पूजनीय जगह है जहाँ हम अंदर मंदिर के अंदर खड़े हैं और भगवान श्री राम जी का पादुचरण जो हम लोग देख रहे हैं यही है। और ये पत्थर जो नदी से उठा करके लाया गया है, पहले ऐसा नहीं था। तो इस लॉकडाउन में ईश्वर के दर्शन कीजिए और प्रभु को याद कीजिए और जल्दी से जल्दी कोरोना हट जाए, हम तो यही दुआ करेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं श्री राम जी के पुण्य चरण जो आपके एकदम समीप से दर्शन हो रहे हैं, जो कि इस लॉकडाउन में श्रावण महीना आने वाला है तो देखिए आपका दर्शन एकदम लाइव। और यहाँ पर बहुत सारे भाभी जी लोग आई हुई हैं, दीदी जी लोग आई हैं, सब लोग। कैसा लग रहा है आप लोग को आज श्री राम जी के चरण के दर्शन हो गए? बहुत अच्छा लग रहा है ना, और तीर्थ धाम हो गया लग रहा है, झारखंड का तीर्थ धाम। और ये पत्थर है जिसमें श्री राम जी बैठ करके सामने वाली जो बैतरणी नदी है इसमें नहाया करते थे। तो इसके पीछे में हम दिखा देते हैं थोड़ा, ये देखिए ये है बैतरणी नदी का दृश्य जो उड़ीसा से बहते हुए झारखंड की ओर जा रही है। बहुत ही जोर से उमड़ता हुआ जो गिर रहा है, ये देखिए, ये देखिए उस साइड भी मंदिर है। और ये बैतरणी नदी का हम दर्शन कर रहे हैं।
तो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारे झारखंड में भी बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है, तो आज आपने जिस नदी के किनारे एक बसा सुंदर सा यह मंदिर भव्य रूप से, कभी आप आते हैं तो जमशेदपुर से आपको सीधा डोंगवा कोसी आना पड़ेगा, और डोंगवा कोसी यानी कि चाईबासा आना पड़ेगा। चाईबासा से जगन्नाथपुर वाला रोड लेके या तो झीक पानी आना पड़ेगा या तो फिर आपको डीपीएस आना पड़ेगा, वहाँ से रोड डायरेक्ट आ जाती है सीधा यहाँ के लिए। तो बहुत ही सुंदर जगह है। तो अगर हमारे यह वीडियो आपको अगर पसंद आए और ऐसी दार्शनिक जगह और भी ब्लॉग्स के रूप में या देखना चाहते हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जी हाँ ज़रूर बताएं कि आपको यह ब्लॉग कैसा लगता है, हमारा यह ब्लॉग या हमारा वीडियो कैसा लगता है, ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम अच्छे नए नए इसी प्रकार से ब्लॉग बना सकें। तो चलिए एक दर्शन और हो जाए।